भोली भाली सूरत इसकी बात करे सयानी, भोली भाली सूरत इसकी बात करे सयानी, सोना की ये दोस्त निराली लागे सबकी नानी, सोना की ये दोस्त निराली लागे सबकी नानी, करे शरारत मुंह मटकाए जैसे सिन्नी पिन्नी। गिन गिन गिन्ने 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 गिन्ने। और नहीं तो क्या। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं दादाजी से बताऊंगी कि अब मेरा भी अकाउंट है बैंक में। ठीक है, बता देना। चल अब देखो भाई कल्लू, जब तक बचत करना नहीं सीखोगे तुम इसी तरह परेशान रहोगे। अरे मगर काका, हम तो पाई पाई के मोहताज हैं, अरे हम भला बचत कैसे कर पाएंगे। अरे ये पान मसाला जैसी बेकार की आदतों को छोड़कर। अच्छा बताओ, दिन भर में 20-25 रुपए का मसाला तो खा ही जाते होगे। सोचो अगर यही 20 रुपए तुम रोज बचाओ तो महीने में कितने बचे, 600 रुपए, और साल के बचे 7,200 रुपए। क्या 7,200 रुपया? हाँ। काका, का कोई भी बैंक में अपन खाता खुला सकत है? हाँ। लो आ गई नानी अम्मा। अरे सोना बिटिया, ई कब आए काका? अरे कल शाम को। कल्लू काका, 10 साल का कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर सेविंग अकाउंट, मेरा मतलब है बचत खाता खुलवा सकता है। पर काका, हाँ, मैं एक परेशानी है। वो क्या? हमार उम्र 10 नहीं 40 के पार है।
अरे कल्लू काका, बैंक में छोटे का भी, बड़े का भी, लंबे का भी, मोटे का भी, काका का भी, काकी का भी, गरीब का भी, अमीर का भी, सभी का खाता खुल सकता है। बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है और कई सुविधाएं भी। सिर्फ यही नहीं, गरीबों के लिए है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो खुल सकता है बिना पैसे के। बस कुछ दस्तावेज चाहिए। नंबर वन, बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र। नंबर टू, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर थ्री, अपना पहचान पत्र जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड। और नंबर फोर, निवास संबंधी प्रमाण पत्र। ऐसे क्या देख रही हो? मैं किसी की भी आवाज़ निकाल सकती हूँ। नमस्कार, आवेदक जान लें कि अगर उनके पास पहचान पत्र, निवास संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है तो वो अपने ग्राम प्रधान, गांव के पोस्टमास्टर या अन्य किसी सम्मानित व्यक्ति द्वारा प्रमाणित पहचान प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मैं हूँ किन्नी, बैंक की प्यारी और बचत करने वालों की दुलारी, सोना की नई दोस्त। और कल्लू काका, आप बैंक में RD यानी कि आवर्ती जमा खाता या FD यानी कि सावधि जमा खाता भी खोल सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। अरे आवर्ती खाता मतलब जिसमें महीने में एक बार एक निश्चित धनराशि जमा की जाती है, और ज्यादा पैसा लंबे समय तक जमा करना हो तो सावधि खाते की सुविधा बैंकों में उपलब्ध है। अच्छा, तो ये मतलब है। अब आई बात समझ। तो कब जा रहे हो बैंक? अरे बस दादा, जैसे 150 इकट्ठा हुई है हम बैंक चले जा। अरे नमस्कार नमस्कार। और भरोसे, तुम्हारी चमेली अब ठीक है ना? हाँ काका, अब ठीक है, कौनों की नजर लग गई रहा है। अच्छा, अब ये बताओ बैंक गए थे कि नहीं? कहाँ काका, टाइम है नहीं मिल पावा। बहाने ना बनाओ भरोसी काका। पर है, ये कौन? ये है सोना की नई दोस्त गिन्नी। अरे बाप रे, हमका तो डरा ही दिया रहा इनने। का पैसा कहाँ बच पाता है सोना बेटा, जो बैंक सैंक में डाले और जो दो चार बच भी जाता है उसके लिए लाला जी है ना। लो, इनके बैंक है लाला जी, मतलब लाला जी। बाय गॉड, कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? अरे ये सुधरने वाले नहीं, जब ठोकर लगेगी ना तभी बुद्धि खुलेगी इन लोगों की। हर गु भैया की जय हो। अरे लाला जी, आप? हाँ, लाला चिरंजी लाल, तुम जैसे चोरों का काल। इस महीने का तेरा सूद का पैसा क्यों नहीं आया रे? पूरा पूरा गांव जाना था लाला, हमरे मुन्नी की तबीयत कितनी खराब चल रही है ये बेकत। ई बात को पूरा गांव जानता है, मगर तू लाला को नहीं जानता कि लाला सूत का पैसा मुर्दे से भी वसूल लेता है। उनका कफन बेच के। चुप, बस बस, तू ही रोज की मोहलत और दे दो लाला। चल दिए दो, मगर दो दिन के बाद एक मिनट भी खुद को रोक ना पाएगा ये लाला। राम राम लाला जी। राम राम। ये लो लाला, अपने कर्ज की सातवीं किश्त, तू भी सूद समेत। पूरे है ना? गिनकर देख लीजिए ना। और ये 300 हमारे खाता में जमा कर लो। लगता है तुम्हारी भैंस दूध नहीं
सोने का अंडा दे रही है। क्यों रे? सब राम की कृपा है बस, वो ऐसे ही दूध देती रहे तो दुए तीन महीना में आपका सारा कर्ज चुका के कुछ पैसा बचाए भी ले बे। काहे नहीं, काहे नहीं। अच्छा अब हम चलते हैं लाला जी। ठीक। गधे राम उल्लू की तरह अब उधर क्या देख रहा है? अरे कोई उपाय सोच, नहीं तो ये समय से कर्जा भी चुका देगा और हमारी ही साथी पर बैठकर इस गांव का दूसरा सेठिया भी हो जाएगा। उपाय तो वही है मालिक। कौन सा? अरे ये जो कल बताया था। ये कौन सा? अरे तो नीक काम में देरी कैसी? दुलारी, अरे ओ दुलारी, कहाँ है? चमेली कहाँ है? हमको क्या पता, रात में तो यही बंधी थी। हमको लगता है कि उनको तू सही से खिला नहीं पा रहा था, इसी से तो हर चमेली रस्सी तोड़ा के कहूँ भाग गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे चमेली ने अपने दिल का हाल आपसे बताया हो। अरे उसके चेहरे से ऐसा लगता था। वाह क्या बात है लाला जी, चमेली के दिल की बात उसका चेहरा देखकर समझ लेते थे। और इस भरोसे को कुछ मालूम ही नहीं चलता था जबकि भैंस वो इसकी ही थी। हाथ पर हाथ रख, बैठने से काम नहीं होगा भरोसे। तेरी भैंस भागी नहीं है बल्कि चोरी हो गई है। क्या बक रहे हैं आप? कैसे कह सकते हैं कि इनकी भैंसिया भागी नहीं चोरी की गई है? का आपने देखा है किसी को? अरे हमने तो नहीं देखा, मगर पुलिस पुलिस सब पता लगा लेगी। पुलिस? खबरदार खबरदार, जो हमारे गांव में पुलिस आई तो हम लोग आज तक पुलिस थाना के पास नहीं गए और अब भी नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? देखो भरोसे, पुलिस में जाने से ही तुम्हारी चमेली तुम्हें मिल सकती है। अरे एक ही चमेली मिले चाहे ना मिले, मुना एक गांव में पुलिस ना आई है ना ये, समझे? क्यों भाइयों? हाँ लाला जी तुम ठीक कह रहे हो, सही बात है। हाँ जासूस दिमाग कुछ कह रहा है। चुप रहो, किसने बुलाया इनको भाई? पता नहीं। ये गिन्नी है, मेरी नई दोस्त।
कि ये चमेली की दोस्त है तो यहाँ क्या कर रही है? चमेली से मिलने आई है। तो चमेली के पास जाए ना। उसी के पास तो आए हैं। देखो बुझौनी न बुझाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, बता देता हूँ। वैसे भी आपसे बुरा कोई नहीं इस गांव में। चमेली। अरे हमार चमेली मिल गए। अरे चमेली मिल गई? हाँ वो भी आपकी कृपा से। दरअसल चुराया भी तो इन्होंने ही था। ये 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 क्या बकवास कर रही है तू? लाला जी बुलाओ पुलिस को। पुलिस? बुला लो। लाला जी काहे डरे पुलिस से? आए काहे से, चमेली इनके घर से बरामद हुई है, वहाँ पिछवाड़े से। बाप रे लाला जी, इनको तो सब पता चल गया। लाला जी निकल ले ओ, जल्दी से निकल ले ओ। अरे लाला लाला भागो। सूबेदार काका, आज आपकी वजह से हमार चमेली हमका मिल गई। भाई जो कुछ किया है वो सोना और उसकी इस शरारती दोस्त गिन्नी ने किया है। हाँ, देख ली लाला की करतूत? अभी भी समय है, बैंक जाकर अपना खाता खुलवाओ और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाओ। बैंक में खाता खोलो, साहूकार से नाता तोड़ो, बचत राशि पर ब्याज भी पाओ, आवर्ती और सावधि जमा योजनाओं का लाभ उठाओ। छोटी छोटी बचत और बड़े बड़े सपने बैंक की आसान ऋण योजनाओं से हो सकते हैं अपने। अरे भाई अपना ही नहीं, अपने बच्चों का खाता खुलवा कर बचत की आदत डालो। अरे भाई पता है बैंक में पैसा जमा करने पर लाला की तरह ब्याज भी नहीं देना पड़ता, उल्टा बैंक खाता धारक को ब्याज देता है। कह रहे हो काका? अरे भाई 16 आना सच बात कह रहे हैं। बैंक से कर्जा लेकर तुम कई और भैंसे खरीद कर अपना दूध का व्यापार और बढ़ा सकते हो, वो भी बहुत कम ब्याज पर। हम तो आज ही जाके बैंक में खाता खुला लें। मुला मुला लाला से जो कर्जा लिया है उका का होगा? बैंक साहूकार ऋण मुक्त योजना के तहत पैसा देकर लाला का सारा कर्जा अदा करवा सकता है। का? अच्छा अत्ता फायदेमंद है बंक? अरे इससे भी कहीं ज्यादा मेरी पारो काकी। पारो? हमार नाम लाजो है लाजो। हाँ इसके कहने का भी यही मतलब है। अरे भाई मगर ये सब तुम लोगों को कैसे पता? क्योंकि मैं हूँ बैंक की प्यारी और बचत करने वालों की दुलारी गिन्नी। और गिन्नी मतलब एक समझदार दोस्त। बैंक के सारे नियम कायदे, छोटे बड़े सभी के फायदे, याद उसे सारी योजनाएं, जो भी मिले भूल ना पाए। शैतानी दिमाग वाले भी इससे काटे पन्नी। गिन 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 गिन